नमस्कार, अनीता स्मार्ट किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपियों में से एक चूरमा के लड्डू। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। चूरमा के लड्डू बनाने के लिए हमने गेहूं का 1 कप आटा लिया है और इसमें हम 1/4 कप सूजी डालेंगे। अगर आपका आटा थोड़ा सा मोटा है तो ये सूजी ना डालें, और अगर बारीक है तो उसमें आप सूजी ज़रूर डालें। और इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं और घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। घी अच्छे से मिक्स हो चुका है आटे में। अब हम इसमें 1/4 कप दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप चाहें तो पूरे आटे को दूध से ही गूंथ सकते हैं, और या तो फिर पानी भी डाल के गूंथ सकते हैं। हमारा आटा गूंथ चुका है, इसकी अब हम मुठरी बना लेते हैं। चूरमा के लड्डू 2 प्रकार से बनते हैं, या तो हम बाटी बनाकर उन्हें सेक लें, या तो फिर मुठरी बनाकर इन्हें घी में तल लें। हम मुठरी वाले चूरमा लड्डू बना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हमारी मुठरी बनके तैयार है। मुठरी बनाने का कोई विशेष तरीका नहीं होता है, सिर्फ दोनों हाथों से दबाते हुए उंगली के निशान बनाते जाने हैं और हमारी मुठरी बनके तैयार हो जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और सारे आटे से हमारी 5 मुठरी बनके तैयार हुई है। हम एक पैन में घी डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को चालू कर देते हैं, घी को गर्म होने देते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम एक एक करके मुठरियाँ डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पर हम गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें तलेंगे। जगह थोड़ी खाली लग रही है, इसलिए मैं बाकी मुठरियाँ जो 2 बची उन्हें भी डाल देती हूँ। और हमारी 5 मुठरियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। गैस की फ्लेम को बंद कर हमें इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। हमारी मुठरियाँ थोड़ी ठंडी होती है जब तक हम शक्कर का पाउडर बना लेते हैं। 1/2 कप हमने शक्कर ली है और इसमें हमने 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाला है और हमने शक्कर का पाउडर बनाकर तैयार कर लिया। मुठरियाँ हमें ठंडी हो चुकी है, इन्हें हम तोड़ लेते हैं हाथों से। और इन्हें हमें बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। और हमारी मुठरियाँ जो है अंदर से बिल्कुल फ्राई हो चुकी है अच्छे से, कहीं से भी कच्ची नहीं है। इसे हम मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर बना लेते हैं। एक बार की हमने मुठरी को पीस लिया है, अब दूसरी बार की भी हम मिक्सी जार में डाल देते हैं। और मैंने जो मुठरिया को पीसा है मिक्सी जार में तो वो बहुत ही अच्छा तरह से पीस चुकी है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी मोटी रह गई है तो आप इसे छन्नी से छान भी सकते हैं। और ये दूसरी बार की भी हम इनको पीस लेते हैं, और दूसरा जार भी पीस चुका है। अब इसमें हम हमारा शुगर पाउडर डाल देते हैं और इसमें हम अच्छे से चूरमे में पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसमें हमने 12 से 15 किशमिश ली है और 1/4 कप खोपरे का बूरा है। चम्मच को हम हटा देते हैं और हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। सब मिक्स हो चुका है अच्छे से। इसमें हम अब 1 बड़ी चम्मच घी डालेंगे
और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे चूरमे में। और हम मुट्ठी बांध के देखते हैं कि लड्डू हमारे बन रहे कि नहीं। अगर हमें लगता है कि घी कम है तो हम एक चम्मच और डाल सकते हैं। और अब हम इसके चूरमे के लड्डू बना लेते हैं। और हमारा लड्डू बनके तैयार है। इसी प्रकार हम बाकी चूरमे के भी लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। चूरमे के लड्डू बनाना बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप चूरमे के लड्डू की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आप सभी को मेरी चूरमा लड्डू की रेसिपी कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली नई रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।